यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय भाई की वीडियो चालू करते हैं अहमद का फोन आ गया। है यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई ऐसा लग रहा होगा काजल लगा रखी है मैंने, है ना, पर मैं उठता हूँ ना सो के तो मेरा मुंह ही ऐसा लगता है, तो इससे फायदा मत दो, मतलब ध्यान मत दो इस पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ मेरी कार, दोनों गाड़ियाँ, मतलब दो गाड़ी है मेरे पास, एक तो मर्सिडीज बेंज C280 2007 मॉडल और एक एक है होंडा सिविक। दोनों गाड़ियाँ दिखाता हूँ, कितने की ली, कितने की क्या पड़ी, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे सामने मेरा दोस्त अफसर है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त और है अहमद भाई पाकिस्तान से, उन्होंने भी गाड़ी ली है, अभी हम कहीं खाने पीने जाने वाले थे। बट अब करते हैं पहले वीडियो की शुरुआत। भाई ने देखो ये गाड़ी ली है भाई ने, होंडा सिविक, मेरी गाड़ी जैसी। भाई 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 वीडियो में आ गए, आप फेमस हो गए। भाई मैं एक बार वीडियो शूट कर रहा था, उसमें गाड़ी वाड़ी दिखानी है, मैं बंदों को दिखा दूँ यार, कई दिन हो गए। हाँ भाई अपने बारे में थोड़ा बताओ, कहाँ से हो? है मैं जेड पाकिस्तान। पाकिस्तान भाई, भाई अपना पाकिस्तान से है, मेरे को मिला था फैंसो कॉलेज की ओरिएंटेशन डे के दिन, और आज फिर एक साल हो गया ना भाई हमको मिलते जुलते, है ना, एक साल हो गया, इसी दिन के आसपास मिले थे। अभी गाड़ियाँ दिखाता हूँ मैं आपको और बताता हूँ क्या रेट है, क्या इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, कैसे क्या प्रोसेस होता है, वो तो नेक्स्ट में बताऊँगा कि क्या प्रोसेस होता है गाड़ी लेने का, सेकंड हैंड गाड़ी लेने का। और भाई को भी मतलब काफ़ी नॉलेज है अब सर, ये मतलब मिलजुल रहे हैं, ये पहली बार मिल रहे हैं। ये खड़ी मेरी मर्सिडीज बेंज, आपको दिखाता हूँ मैं, ये मेरी हेल्प करेगा अब सर वीडियो शूट करने में, फॉर श्योर करेगा, क्यों नहीं, मर्सिडीज में घूमेगा ना फिर। ये मेरी मर्सिडीज, तो और वो रही मेरी सिविक, वो वाली इसके साइड वाली दिखा देता हूँ पास जाके। तो भाई ये है मेरी दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी का मैंने व्लॉग नहीं बनाया भाई, बिजी इतना हो गया था। तो दूसरी गाड़ी है मेरी मर्सिडीज C280 और इसका क्या मतलब क्या रेट था, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही बताऊँगा मैं, ऑब्वियसली असली रेट तो बताऊँगा नहीं, 5.5 की पड़ी है, छः के करीब सेफ्टी वेफ्टी लगा के पड़ी। और भाई ये देखो कार एकदम जेन्युइन जो है वो है, दिखा रहा हूँ मैं आपको जितने की पड़ी, अगर मैं आपको लग रहा हूँ कि लुट गया एकदम तो वो भी ठीक है, अगर ये लग रहा हूँ सही ले ली वो भी ठीक है। अंदर से दिखा तो भाई, अफसर भाई वीडियो शूट कर रहा है कैमरे के पीछे, अफसर है भाई, अभी आपको दिखाता हूँ भाई। 2007 मॉडल है, 2,00,000 किलोमीटर चली हुई है और सारे मतलब कार फैक्ट्स रिपोर्ट होती है एक, जो मतलब बताती है कि मतलब क्या क्या हुआ है गाड़ी के साथ, डैमेज है या फिर कहाँ कहाँ सर्विस हुई है, वो कारफैक्स रिपोर्ट भी है सारी इसकी, जो सर्विसेज हुई है वो मर्सिडीज में ही हुई है। तो अभी पहले तो सबसे पहले ये दिखाता हूँ, ये देखा, ये आगे पीछे ऑटोमेटिक सीट भाई, 2007 मतलब कितने साल पुरानी होगी ये, 16 साल पुरानी गाड़ी और फिर भी ये सारे फीचर, आगे पीछे से यहाँ आगे दिखा, इससे आगे पीछे यहाँ से दिखा, इससे आगे पीछे, और ये भाई ये बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, ये देखो और यहाँ से भाई बस इतना ही है, और पीछे दिखाता हूँ। अच्छा भाई बाकी क्या था, पीछे से कुछ ऐसी है, प्लेट इसलिए हटा रखी है क्योंकि भाई हाँ बेच रहा हूँ ऑब्वियसली, मेरे पास दो गाड़ी इसलिए है क्योंकि ये वाली गाड़ी मैं बेचूँगा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, नॉट फॉर स्टूडेंट, अच्छी चलती है सब कुछ सही है। और मेरे पास वो गाड़ी अभी वो होंडा सिविक दिख रही है ना कूप दो डोर की, वो अभी पर अभी इस पर फोकस कर रहे हैं हम, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, अंदर से गाड़ी कुछ ऐसी है, कहूँ आज कर देता हूँ कॉपीराइट ना आ जाए। चाबी ये है मेरी गाड़ी की, मेरे पास दो चाबी ऐसी, इससे बूट खुलता है, इससे लॉक अनलॉक, ठीक है अनलॉक लॉक हाँ जो भी था, और ये मतलब ये चीज़ यहाँ पर डलती है, सभी मर्सिडीज में ऐसा ही होता है आई थिंक, लॉक अनलॉक। ये सीट के मतलब वो जो हेड रेस्ट है वो पीछे हो जाते हैं, FM का हो गया, ये मर्सिडीज़ का गियर ऑटोमेटिक है, सिटी स्पोर्ट, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल, शीशा, सनरूफ ये खुल गया ये बंद हो गया, ऑब्वियसली एवरीथिंग गुड भाई, सब कुछ नया है, हॉर्न वगैरह, हॉर्न तो ऑब्वियसली नया होगा, क्रूज कंट्रोल है इस गाड़ी में भी, अरे ब्लूटूथ लगाने का होता है, मतलब 2007 मॉडल में ब्लूटूथ कहाँ होता है। रियर एसी वेंट, लेदर सीट, हीटेड सीट है भाई सब कुछ। इंजन खोल के दिखाता हूँ इंजन कैसा है, और इसका इंजन कैसे खुलता है मैं आपको बताता हूँ। तो
भाई वहां से हमने इंजन खोल दिया, वो खींच के नॉर्मल जैसे गाड़ियों में खुलता है, बट यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको खींचने से और खींचने ऐसे हाइड्रोलिक, और भाई ये देखो ये है इस गाड़ी का इंजन V6, साउंड्स परफेक्ट भाई, बहुत पावर है। पावर के साथ साथ भाई ऑब्वियसली तेल भी बिकता है। अभी इसकी आवाज सुनाता हूँ, पहले हॉर्न की आवाज सुनाता हूँ, यही रहा आपसे हॉर्न की ऐसी आवाज है, क्रेटा जैसी होगी, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ी पास आएंगे इंजन, साउंड्स परफेक्ट, और मतलब ड्यूअल एयर सक्शन है ये भी, जो भी होते हैं यहाँ से ये हवा लेती है और पावर जनरेट करती है, जो भी है इस साइड से सेम है। इसके मिरर आई गेस फोल्ड में ही होते, मेरे को तो लगता नहीं होते, मैं ज़्यादा वो नहीं करता भाई। अब सर इस साइड है, गाड़ी बंद कर देती, ठीक है। और यहाँ पे भी भाई, और यहाँ पे भी ये ऐसे ही है, आगे पीछे करनी होती आई, ये होगा एक मिनट, ऊपर नीचे पीछे, ठीक है। और ये यहाँ से मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। पीछे से भी सेम सीट से भाई, बहुत अच्छी है मतलब गाड़ी। और ये जब अनलॉक होती है गाड़ी, ये यहाँ से बस प्रेस करना होता है, और जब लॉक होती है तो ये खुद लॉक हो जाता है फ्यूल टैंक। अभी आपको बूट खोल कर दिखाता हूँ यहाँ से ना, ये प्रेस एंड होल्ड किया, यहाँ पे बूट खुल गया इसका। बूट कैसा इसका, ये देखो भाई कितना नया है, मतलब भाई जिस बंदे से मैंने लिया ना उसने ये छुई भी नहीं है भाई। I'll show you, देखो कितना नया। ये टायर तो कभी निकला ही नहीं जिंदगी में, अंदर से ऐसा है सीट, आई गेस सीट हो जाती है, पीछे से ऐसी है, दूर हो गई है। देखो भाई सीट फोल्ड हो जाती है तो मतलब ऐसी हो जाती है, ऐसी दिखती है कुछ सीट फोल्ड होके, कितना स्पेस है देखो भाई, लंबे लेट जाओ बेशक, मतलब बड़ा सही लग रहा है। और ये आपको स्पेशल फीचर है, ये क्या है देखो, इसको नीचे करेंगे आपको फील होगा यहाँ से कुछ उठ रहा है, मतलब ये बैक सपोर्ट के लिए देखो। और यहाँ भी है इस वाली सीट में भी, और रियर एसी वेंट ऑब्वियसली। और ये एक और चीज़, 1 कप होल्डर ऊपर करा, ऐसे करा, 2 कप होल्डर, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं इसलिए ऑब्वियसली। ये साइड तो आपको दिखा दी, और ये सॉफ्ट टच है, मतलब देखो ये पूरा लेदर है सॉफ्ट टच, इसको प्रेस करते हैं तो ये अंदर जाता है। पावर मिरर्स ऑल, और देखो मतलब भाई जंग तो है भी नहीं गाड़ी पे बिल्कुल, मतलब ये तो भाई चलता है 16 साल पुरानी गाड़ी है तो ऑब्वियसली सब कुछ नया। और देखो क्या कार है कि नहीं, पूरी बंद करते हैं इसको, और मैं आपको अपनी सेकंड कार जो होंडा सिविक है उसके फायदे घाटे सब कुछ बताऊंगा लेने के, और उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा फॉर श्योर ऑब्वियसली। इसको वापस कर देते हैं हम ऊपर, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिया इसको ये। और अब आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं, पता नहीं इसका पॉइंट क्या, पर मेरे को ये पता चला बस ऐसे ही, ये बटन दबाया यहाँ से ये वाला, और दबाने के बाद शायद होना तो चाहिए स्टार्ट करने का। हाँ देखो वो पीछे अपने खुद बंद हो गए,
और ये है लाइट्स, पीछे की लाइट बस, और ये सनरूफ का, बस ये बंद कर देते हैं। ये कुछ होंगे कंट्रोल्स, मेरे को नहीं पता क्या कैसे होते हैं, चलाने में कुछ ऐसी फील आती है। ये क्रूज कंट्रोल है, यहाँ से कंट्रोल्स होते हैं। इंजन लाइट क्यों आ रही है, एयर इंजेक्शन है, $100 का खर्चा है, वो करवाऊंगा जब मर्जी होगी। और हाँ, एसी वेसी सब कुछ चलता है भाई, लॉक अनलॉक यहाँ से होती है भाई। गाड़ी वो खड़ी, वो पहली गाड़ी वैसी थी मेरी सेम, यहाँ से लाइट ऑन होती है, वाइपर का वो इस साइड है नहीं। ब्रो चाबी देखो भाई, एक जगह मतलब कैसे जाती है, ना और ऐसे। चलो आपको एक और चाबी का मैं फीचर दिखाता हूँ, हो गया। तो भाई ये लॉक, ये अनलॉक, ये बूट, और ये आपने देखा होगा कि एक मिनट, ये चाबी फिजिकल की, मतलब आपको वैसे अनलॉक करनी हो तो ये चल्ला तो मैं लेके आया था, ठीक है। बस यही सीन है, ऐसा हो जाए बस भाई। इतना ही था इस गाड़ी के बारे में, इसका एक वॉक अराउंड करके दिखाइयो कैसी है, मतलब भाई कमेंट करके बताना कैसी है, कैसी लगी, और मतलब क्या सीन है, जो भी है। और हाँ, मैं इधर कैमरा पर, मैं सिविक की वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा, उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो भी सीन है। अभी इसको देखते हैं इसका क्या सीन है, क्या रचेंगे, कुछ है करेंगे या नहीं, देखते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय। भाई ऐसे रास्तों पे भी चलाते हैं तो पता नहीं चलता कि मतलब गाड़ी ऐसे रास्तों पे चल भी रही है, ऑब्वियसली हिलती तो बहुत ज़्यादा है, बट हाँ पता नहीं चलता भाई। पार्किंग होनी चाहिए यहाँ, और मिल गई, चलो बहुत अच्छी किस्मत है। यहाँ लगा देते हैं भाई अपनी गाड़ी हम, और कर देते हैं इसको लॉक। वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी दूसरी गाड़ी का मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगा, ऑब्वियसली कंटिन्यू कर रखूंगा, वैसे ही मूड खराब हो गया एक छोटी सी बात पे, पर ऐसे तो होता रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।